आज देश के उन इलाकों में भी वोटिंग हुई जहां कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था। छत्तीसगढ़ के बस्तर से लेकर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली तक जो कभी नक्सलियों का गढ़ था, आज वहां लोकतंत्र की गूंज सुनाई दी। छत्तीसगढ़ का बस्तर, महाराष्ट्र का गढ़चिरौली और बिहार का जमुई, ये तीन तस्वीरें देश के उन इलाकों की हैं जहां आज वोटिंग हुई है। लेकिन खास बात यह है कि इन तीनों की गिनती नक्सल प्रभावित इलाकों के रूप में होती है। जहां पहले डर और दहशत का माहौल होता था, वहां अब लोकतंत्र के महापर्व में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट की ये तस्वीरें देखिए। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर जयप्रकाश यहां वोटिंग कवर करने पहुंचे हैं। बस्तर का इलाका और खासकर यहां का दंतेवाड़ा नक्सलियों का गढ़ रहा है, लेकिन आज बड़ी संख्या में पुरुषों के साथ महिलाएं भी वोट देने पहुंची, जो अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। बस्तर लोकसभा क्षेत्र के नक्सल प्रभावित इलाके श्यामगिरी में मैं मौजूद हूं। 2024 का आम चुनाव चल रहा है और यहां पर इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने के लिए यहां पर देखिए सैकड़ों की संख्या में यहां पर लोग हैं। लगातार यहां पर जो है बढ़ चढ़कर मतदान हो रहा है। किसी भी तरह का यहां पर डर और भय का माहौल नहीं है। हालांकि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो तैनात की गई है। यहाँ पर देखिए तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो तैनात की गई है। 5 साल पहले श्यामगिरी इलाके में बीजेपी विधायक की हत्या कर दी गई थी। आज भी रोड पर उस घटना के निशान मौजूद हैं। इलाके में नक्सलियों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर रखा था। बावजूद इसके कड़ी सुरक्षा के बीच बस्तर में अच्छी खासी वोटिंग हुई है। बस्तर के ही एक और बूथ की ये तस्वीर है, जहां आदिवासी रंग में बूथ रंगा हुआ है और वोटरों की लंबी लाइन दिख रही है। बस्तर सीट पर बीजेपी के महेश कश्यप का मुकाबला कांग्रेस के चर्चित नेता कवासी लखमा से है। अब महाराष्ट्र चलिए, जहां एबीपी न्यूज के रिपोर्टर सूरज ओझा उस गढ़चिरौली में चुनाव कवर करने पहुंचे हैं जो नक्सलियों के लिए कुख्यात रहा है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा से सटा है गढ़चिरौली का ये हेडरी गांव, जहां पिछली बार चुनाव के वक्त नक्सलियों ने तांडव मचाया था। आज संगीनों के साए में वोट डाले गए तो वोटरों का हुजूम पोलिंग बूथ पर बिना किसी खौफ के वोट डालने पहुंचा। महाराष्ट्र का ये गढ़चिरौली का इलाका है, यहां से महज कुछ ही दूरी पर छत्तीसगढ़ है। ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, गट्टा इलाका है, काफी सेंसिटिव इलाका है, नक्सल प्रभावित इलाका है। पिछली बार लोकसभा चुनाव के समय यहीं पर हमला हुआ था, नक्सलियों ने हमला कर दिया था। उनका यह कहना था कि लोग मतदान ना करें, लेकिन आप देखिए यहाँ पर लोगों की स्पिरिट देखिए, लोग यहाँ पर अपना सांसद चुनने आए हैं, लोग मतदान कर रहे हैं। क्या उम्मीदों के साथ आप मतदान कर रहे हैं? हमारा गाँव का तरक्की हो, यहाँ पे रास्ता का बहुत बड़ा परेशानी है, सड़क बन जाए। इस गांव के पास सूरजागढ़ नाम का पहाड़ है, जिस पर नक्सलियों का बेस कैंप हुआ करता था। एक वक्त था जब बूथ पर दिख रहे इन वोटरों को सांस लेने के लिए भी नक्सलियों की इजाजत लेनी होती थी, लेकिन आज की तस्वीर बिल्कुल अलग है। लोग अपना सांसद चुनने निडर होकर यहां पर आए मतदान करें, क्या कुछ आप लोग प्रिकॉशन लेते? पिछला वाला माहौल देख के अभी हमने एक्स्ट्रा फोर्सेस मंगवा के, अभी आप देख रहे हो अब क्या जो बीएसएफ के जवान भी खड़े हैं और जिला पुलिस के जवान भी खड़े हैं, तो यहाँ सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया है और एक लोगों को हमने सिक्योरिटी दी है। लोग भी मतदान के लिए ज्यादा से ज्यादा बाहर निकले, उनका भी पुलिस वालों पर भरोसा है और उनको भी कहीं ना कहीं नक्सलवाद छोड़ के बाहर आना है, आम जिंदगी जीनी है, तो उसके लिए पुलिस उनको जैसा चाहिए वैसा सपोर्ट कर रही है। महाराष्ट्र से अब आपको बिहार लिए चलते हैं। जमुई बिहार का नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है। आज भी वोटिंग के लिए जमुई के कई इलाकों में
कम समय रखा गया था। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर बिलाल अहमद नक्सल प्रभावित जमुई के कोयवा गांव में चुनाव कवर करने पहुंचे हैं। इस वक्त हम जमुई के कोयवा गांव में मौजूद हैं और यहां पर देखिए कि वोटरों की लाइन जो है वो भी यहां पर अभी भी देखने को मिल रही है। महिलाओं की भी जो है वो यहां पर उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन ये इलाके में वोटिंग को देखना जो है वो लोकतंत्र के लिए एक बेहद राहत देने वाली, बेहद जो है वो खूबसूरत एक तस्वीर है, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है वो पिछले कुछ सालों तक नक्सल से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो है वो प्रभावित था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।